हम सैल्यूट करते हैं ऐसे वीरों को जो भारत की धरती पर रहकर इतने बुजुर्ग अवस्था में गौ सेवा कर रहे हैं और अपने शरीर को शरीर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इनके उम्र का भी जो लोग होंगे अभी उनके पेट में भरा पूरा भोजन होगा और वो कहीं ना कहीं आराम कर रहे होंगे। लेकिन एक इस बुजुर्ग को देखिए जो ये कितना जो है मेहनत कर रहे हैं और गौ भक्ति में भी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि ये सब करने से इनका शरीर का भी शरीर में फुर्तीला बना हुआ है। और ये तो कहीं ना कहीं दुख की बात है, लेकिन एक आध बात ऐसी है जिनसे जो है इस बाबा जी को भी फायदा है। जैसे कि ये जो इस काम को कर रहे हैं, इसे इस काम को करने से इनका शरीर जो है फुर्तीला बना रह सकता है और इनको ये दुख से दूर रह सकते हैं। साथ अभी चाचा जी जुड़ चुके हैं। ये इनका उम्र कितना होगा चाचा जी? आपका उम्र 80 साल चाचा जी अपना उम्र बता रहे हैं। और ये घास लेकर आ रहे हैं किसको, गाय को खिलाने के लिए, भैंस को? भैंसी को। कितना भैंस रखे हुए हैं आप अभी? दो गो भैंस रखे हुए हैं। बाल बच्चा आपका है? तो वो लोग इसमें आपको मदद नहीं करते? सारा मतलब भैंस का जो भी चारा होता है उनको देखभाल करना वो सब आप खुद से ही करते हैं? हाँ। तो क्या कुछ भैंस दूध देती है? जी हाँ। भैंस दूध नहीं देती? नहीं, 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 बच्चा बच्चा है। अच्छा, छोटा छोटा है। तो अब मतलब इस काम को जब आप करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अब क्या करें, मजबूरी है करना। अच्छा, ये नहीं करेंगे तो फिर जो है सो आप खाना भी नहीं खा पाएंगे जी। अच्छा, तो मतलब इस दर्द को समझने वाला जो है आपका बाल बच्चा भी नहीं है और आपके बाल मतलब दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो ये आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? दौलतपुर से लेकर आ रहे हैं। दौलतपुर यहाँ से काफी दूरी पे है। और यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएंगे? गदाईसराय लेकर के जाएंगे आप साइकिल पे? ऐसे कितना किलोमीटर होगा यहाँ से दौलतपुर? 1 माइल। 1 माइल बता रहे हैं। और गदाईसराय जहाँ पे आपको जाना है वो कितना दूरी पे होगा? यहाँ से 1.5 कोस जमीन हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, बाबा जी का कहना है जो उनके पास बाल बच्चा भी है लेकिन भैंसी का जो चारा लाना होता है वहाँ दौलतपुर से लाते हैं और गदाईसराय इनका घर पड़ता है वहाँ तक लेके जाते हैं। भैंस दूध भी नहीं देती है और उनका बाल बच्चा इनके दुख को समझने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं जो अगर हम ये करेंगे फिर भी हम नहीं जी पाएंगे और नहीं करेंगे फिर भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में भोजन तक नहीं पड़ पाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसे बाल बच्चे का इस दुनिया में रहना कहाँ तक जायज है या फिर कहाँ तक नाजायज है? देखिए, बाल बच्चा को तो ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी जो कलयुग का अति कहा जाए उसका परछाया है जी जी, जो अखनी आने वाला पीढ़ी पर पड़ रहा है जी जी, सब एक दूसरा को छोड़ रहा है। बहुत से लोग उसके शिकार हुए हैं। हाँ, बहुत शिकार है। अभी तो ये वो बाबा उदाहरण के तौर पर आपको मिल गए हैं जी जी, ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत बाबा जो हैं जो इस तरह के कष्ट ज्यादा भी कष्ट में हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कहने वाला नहीं है। आप इनके बारे में बता रहे हैं बहुत अच्छा है, ताकि इससे भी समाज में प्रभाव पड़े जी जी, सुधार आए। यही हमको देखने से काफी अजीब सा लगा। जो बाबा जी का उम्र बिल्कुल उम्र नहीं है, बिल्कुल हम आ रहे थे तो देख रहे थे, अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रहा ये कैसे कैसे कष्ट करके बाल बच्चा को पाले होंगे, बिल्कुल यही जानते हैं। और बाल बच्चा आज देख नहीं रहा, किस दिन के लिए वो बाल बच्चा है? सही बात है ना, वही कहना है कि बाल बच्चा होने से कम बूढ़ा पर ध्यान दे, बाप माता बाल बच्चा जो भी हो अपने माता पिता पर उसको ध्यान देना चाहिए, चाचा जी का कहना है। हाँ हाँ, हम भी बूढ़े हैं, हम भी बुजुर्ग हैं, अभी आशा लगाए हूँ जो आपका बाल बच्चा आपको। सही बात, अब क्या करेगा ये सब जान। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आशा में आप यही है जो हमारे बाल बच्चा भी हम पे ध्यान रखेंगे। इसलिए ना बाल बच्चा को लोग पालता पोसता है, यही करता है, बड़ा बनाता है, पढ़ाता लिखाता है कि नेक बने, अच्छा बने, सज्जन बने, कमा करके हम लोग बुढ़ापा में खिलावे। लेकिन वो
नहीं कर पा रहा है, अपना कर्म कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस तरह का दुख जो है सहना पड़ेगा। आने वाले ये तो संसार की रीत है। हाँ, तब क्या, उसको भी मैंने ऐसे ही मुसीबत झेलना पड़ेगा। बिल्कुल होगा, हाँ यही है जी। धन्यवाद। तब दो भैंसे हैं चाचा जी आपके पास, है ना? तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप कोई मदद लेना चाहेंगे? जो अगर कोई जो हमारे कैमरा में आपको देख रहे हैं, अगर उनको उनमें से किसी लोगों को अगर मान लीजिए आपको मदद करने का हो, तो आप किस प्रकार से मदद लेना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसे आशा है आपके दिल में? कहाँ से हम बाबू, हमारा तो कोई सस्ता ना है कि हम अपने के नजदीक आ सके, कोई पाए तो है ना कि अपने से हमको आ सके, हैरान हो। नहीं, जो हमारे दर्शक है जो देखने वाले हैं, है ना, उनसे क्या कुछ आप आशा रखते हैं इसके बारे में बात पूछ रहे हैं आपसे? जो अपने लोग के बुझाए से सरकार कर। अच्छा।